सहयोग कर रहे हैं और आपका ये सहयोग मेरे लिए बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति अमन अनशन भूख हड़ताल करता है तो ऐसे में खास तौर से विपक्ष में एक ताकत की जरूरत होती है। वो जो ताकत है वो ताकत लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से मिलती है। हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि जो उसकी लड़ाई है वो आम जनता तक पहुंचे और ये जो लड़ाई हमारी है ये पूरी की पूरी लड़ाई व्यवस्था के खिलाफ है। हमारे प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम साथी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि सत्याग्रह, भूख हड़ताल, ये तमाम मुद्दे जिनको लेकर हम सालों साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जो सालों साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में जब नया रूप तब आया जब निजी अस्पतालों की लूट बहुत बढ़ गई, सरकारी अस्पतालों में इलाज लोगों को मुहैया नहीं हो पाता और सरकारी इलाज में, सरकारी अस्पतालों में लोग बिना इलाज के वापस लौट जाते हैं। सीएससी देखिए, पीएससी देखिए, आपके मेडिकल कॉलेज देखिए, जिला अस्पताल देखिए, ऐसी व्यवस्था बन गई सब जगह कि डॉक्टर्स की भारी कमी है, नर्सिंग स्टाफ है नहीं, मशीनें है नहीं, और हैं तो उनको चलाने वाले नहीं, तो ऐसे में लोग प्राइवेट अस्पताल की तरफ जाते हैं। तो जब प्राइवेट अस्पताल की तरफ जाते हैं और वहां देखते हैं कि भारी लूट, और ऐसी लूट जिससे इस समय आम आदमी हलकान है, परेशान है, दिक्कत में है, दुविधा में है, ऐसी दुविधा दिक्कत को देखते हुए हमने कहा कि 200 रुपए कोरोना के समय में जो डॉक्टर्स ने फीस बढ़ाई थी, हमारा आईएमए से अनुरोध है और डॉक्टर से अनुरोध है कि 200 रुपए से ज्यादा फीस परामर्श शुल्क के रूप में ना लें। 200 रुपए बहुत होते हैं, एक दिन में 50 मरीज, 100 मरीज, कई कई तो डॉक्टर 200-200 250 विजिट कर दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि उन्हें 200 रुपए से ज्यादा परामर्श शुल्क नहीं लेना चाहिए। दूसरा, मेडिकल जो निजी अस्पताल हैं, कई जगह अस्पताल सरकारी अस्पतालों के इर्द गिर्द हैं, तो सरकार ये देखे कि वहां पर क्या गतिविधियां चल रही हैं। हमारा कहना यह है कि अस्पतालों के अंदर, निजी अस्पतालों के अंदर जो मेडिकल स्टोर हैं, या तो वो बाहर जाएं या फिर सरकार व्यवस्था करे, आईएमए के साथी व्यवस्था करें कि जो दवाई डॉक्टर लिखे वो सारे अस्पतालों के या सारे बाहर जो मेडिकल स्टोर हैं सब पर मिलें, जिससे आम आदमी पिसने से बच जाए। ये आम आदमी के साथ जो एमआरपी के नाम पर लूट हो रही है, हम लोग इसके सख्त खिलाफ हैं। ड्रग्स वाले लोगों ने, केमिस्ट लोगों ने, तमाम साथियों ने पहले भी कहा है कि जो दवाई 10 रुपए की है उसको 100 रुपए चार्ज किया जा रहा है, मतलब कई जगह 10 गुना 20 गुना और कई कई जगह 100-100 गुना आपके इंजेक्शन में पैसे एमआरपी बढ़ाकर लिए जा रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं। तीसरा, लैब की जो व्यवस्था है वो भी अस्पताल से बाहर हो, या कहीं पर भी जांच हो उसे हर अस्पताल का व्यक्ति माने, जितने भी लैब, एमआरआई सेंटर या जो भी ऐसी जगह हैं जहां पर मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है उनमें अगर कोई घपला है, डॉक्टर एक से ज्यादा जगह पर अपने प्रमाण पत्र लगाए हुए हैं तो सीएमओ को उसकी जांच करनी चाहिए। अभी प्रकरण न्यूट्रीमा का हुआ तो न्यूट्रीमा अकेला अस्पताल नहीं है जिसके विषय में हम लड़ रहे हैं, हम पूरी व्यवस्था के खिलाफ खड़े हैं। जो व्यवस्था लोगों को ठगने का काम कर रही हो, लूट तंत्र के रूप में विकसित हो रही हो, मैं सारे पत्रकार साथियों से बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं
कि आज मेरी भूख हड़ताल का चौथा दिन है और मैं कोशिश करूंगा कि जब तक मैं इस लड़ाई को लड़ सकता हूं लड़ूं। तमाम साथी, तमाम संगठनों का हमें सहयोग मिल रहा है, राजनीतिक दल भी सहयोग कर रहे हैं, किसान संगठन भी मदद कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के, व्यापार प्रकोष्ठ के लोग हमारी मदद कर रहे हैं, संगठन हमारा साथ दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, और गांव देहात से लेकर गरीब गुरबा लोगों का मन मस्तिष्क इस आंदोलन को सही बता रहा है। और ये आंदोलन आने वाले समय पर जन आंदोलन के रूप में तब्दील होगा, जन आंदोलन बनेगा। आप देख रहे होंगे रोजाना हजारों लोगों का समर्थन हमें यहाँ कचहरी में, जहां तहसील परिसर, कलेक्ट्रेट परिसर में बैठे हैं, यह मिलता है। अभी कई सवाल डॉक्टर्स ने हमसे किए, आज मैं उस सवाल के जवाब में आपके पत्रकार साथियों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के भी हमारे साथी खड़े हैं यहां पर, मैं एक एफिडेविट लेकर आया हूं और ये एफिडेविट मेरी संपत्ति का है जो मैंने चुनाव लड़ते वक्त दी थी। और मैं इससे इतर भी एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो मेरी लड़ाई है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लूट तंत्र के खिलाफ है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे इस एफिडेविट के माध्यम से जो मेरे दादा, मेरे पिता से मुझे संपत्ति गांव में जमीन की मिली है, जो खेती की जमीन है वो, हमारा गांव में मकान है वो, शहर में मकान है वो, और जो मेरे पास गाड़ी है, उसके अलावा मेरे जो बैंक के खाते में जो पैसा है वो भी मैंने इसमें लिख दिया, जो मुझे तनख्वाह के रूप में मिलता है। पत्नी की शादी जब 20 साल पहले हुई थी उसमें कोई मुझे चीज मिली थी या उसके साथ थी, वो भी मैंने इसमें अंकित कर रखी है। इसके अलावा मैंने 20 साल में अपने राजनीतिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में अगर कुछ भी धन संपदा बेईमानी से इकट्ठी की हो या मेरे पास हो, वो सारी की सारी सरकारी हो जाए और मैं पूरी की पूरी जो उसके अलग की मेरी कोई ऐसी कमाई हो या दो नंबर की चीजें हो या चार नंबर की या एक नंबर की चीज हो या हम कोई व्यापार करते हो, उसको सब की सब चीजों को सरकार ले ले हमसे। और मैं एफिडेविट में ये चीज दे रहा हूं, आपको भी सब साथियों को एफिडेविट की कॉपी दूंगा और मैं सरकार से मांग करूंगा कि हमारी सारी संपत्ति की जांच करा ली जाए और हम पे कोई अनलीगल चीज हो या हम पर, इन्होंने मेरी जांच कराई इनकम टैक्स रिटर्न की, कितना रिटर्न भरते हैं, मैंने कहा मैं जीरो रिटर्न भरता हूं, मेरे पास कोई इनकम का सूत्र इस तरह का है नहीं, खेती है गांव में, हम यहाँ शहर में रहते हैं, नॉर्मल परिवार है, जनता ने हमें विधायक बनाया है। लेकिन जो लोग ये आरोप लगा रहे थे, मैं उनसे मांग करता हूं कि वो भी एक एफिडेविट दें नैतिकता के आधार पर, जो ऐसे तथा कथित लुटेरे के रूप में लूट करने वाले ऐसे लोग हैं, खास तौर से ये जो बढ़ चढ़कर बोलने वाले हमारे डॉक्टर के नाम पर कलंक लोग जो हैं, मैं इन तमाम लोगों से भी अपेक्षा करूंगा, सारे डॉक्टर गलत नहीं हैं, उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं, हम यह कितने नाम ऐसे बता सकते हैं जिनके हम इज्जत करते, सम्मान करते, पूरा समाज उनका सम्मान करता है, लेकिन इन लोगों की दौड़ ये ऐसी दौड़ है, ऐसी प्रतिस्पर्धा इन्होंने बना ली कि इससे बड़ा कैसे मैं बन जाऊं। मैं सरकार से मांग करूंगा, जो डॉक्टर्स ओपीडी कर रहे हैं बड़े बड़े अस्पतालों में, न्यूट्रीमा का तो एक सिंबल बन गया था लूट के रूप में, नहीं तो और बड़े बड़े लोग ऐसे हैं नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, मेरठ, सब जगह, कि सरकार इसमें दखल दे, गरीब व्यक्ति जाए तो जाए कहां। और ऐसे लोगों के जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं वो ओपीडी करते हैं, मैं जीएसटी विभाग के आपसे माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जीएसटी के लोग इन अस्पतालों में जाकर बैठें और ये जो लोग कई कई लाख रुपए रोजाना परामर्श शुल्क के नाम पर इकट्ठा करते हैं, नगद पैसे लेते हैं, इन सब लोगों की जांच हो और इन पर जीएसटी जो है ना चुकाने का, जब से ये लोग इस काम को कर रहे हैं, जब से इनसे जीएसटी वसूल की जाए। दूसरे नंबर पर ये इनकम टैक्स में भी इनकी भारी रूप से ये लोग कटौती कर रहे हैं या उसको छुपा रहे हैं या उसको कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार उसमें करने का काम कर रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके ऊपर जरूर इसकी जांच होनी चाहिए और पता करना चाहिए कि इन लोगों ने ये चीज कहां से इकट्ठा की है। और मैं मांग करूंगा नैतिकता वाले उन डॉक्टर्स से जिन्होंने बढ़ चढ़कर ये बोला कि अतुल प्रधान अपनी इनकम का स्रोत बताए, तो मैंने बता दिया, मैंने सारी चीज अपनी रख दी। अब मेरा निवेदन है कि वो
अपने पूरे जीवन की ना बताएं, वो 20 साल की 25 साल की प्रैक्टिस में जो पैसा कमाया उसे ना बताएं, वो 15 साल का ना बताएं, वो 10 साल का भी ना बताएं, वो 5 साल का भी ना बताएं, वो सिर्फ और सिर्फ जब से कोरोना शुरू हुआ, जो महामारी हमारे देश ने देखी, जिसमें हर कोई चैरिटी करना चाहता था, हर कोई चाहता था कि भाई किसी गरीब गुरबा की मदद कर दें, उसकी सहायता कर दें, उस कोरोना के समय में भी इन लोगों ने गलत तरीके से ये पैसा जो इकट्ठा किया, वो कोरोना का समय और आज तक के जितनी इनकम उनकी हुई है या जितना सही सोर्स है उनसे अलग उन्होंने इनकम की है, सिर्फ उसका एक एफिडेविट दे दें तो मैं उनको जो कहेंगे वो कर दूंगा। और अगर उन्होंने ऐसी कोई, जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे पास इसके अलावा कोई अगर संपत्ति हो तो वो सब सरकारी है, तो वो भी जो उनके पिता की, दादा की और उनकी नेक कमाई की, वो भी 2021 से पहली है और 21 के दो जब से कोरोना आया, कोरोना से बाद की है, वो भी उस संपत्ति को सरकारी संपत्ति सरकार के रूप में दान कर दे, किसी अनाथालय को दे दे, किसी बेचारे गरीब गुरबा लोगों को भेंट कर दे, तो हम तब उनकी नैतिकता मानेंगे। कहते हैं कि हम सेवा करते हैं तो हम भी सेवा करते हैं, कि भाई सारे डॉक्टर सेवा करते हैं, अच्छी बात है सेवा करते हैं, भगवान का दर्जा इसीलिए उन्हें मिलता है। रही बात इसकी कि अतुल प्रधान, मैं भी एक सामाजिक जीवन में हूं, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। कहते हैं कि हम अतुल प्रधान की सिफारिश नहीं मानेंगे। अच्छा, मैं सिफारिश किस चीज की कर रहा हूं तुमसे? क्या सिफारिश ये कर रहा हूं कि मेरा घर बनवा दो? क्या सिफारिश ये कर रहा हूं कि मुझे एक्सट्रोशन बेईमानी का कोई पैसा दे दो? क्या मैं तुमसे सिफारिश ये कर रहा हूं कि मेरे बच्चे का मुफ्त इलाज कर दो? क्या मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि मेरे रिश्तेदारों को कर दो? मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूं, जो लूट कर रहे हो, जो पैसा जायज नाजायज रूप से लोगों से वसूल कर रहे हो, जिसकी शिकायतें तमाम अंबार हैं, उस ऐसे पैसे में किसी गरीब को रिलीफ दे दो, ये मैं कह रहा हूं। और मेरी लड़ाई ये लगातार जारी रहेगी। आज चौथा दिन भूख हड़ताल का है, जनता का भारी समर्थन है। मैं तमाम पत्रकार साथियों का आभार व्यक्त करूंगा। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल अगर ऐसा हो कि जो मुझसे करना हो तो मैं सवाल का जवाब दूंगा। पंचायत बुला लिया आपने अतुल जी? पंचायत 11 तारीख की रखी है। 11 तारीख को हम तमाम सामाजिक संगठन, जिन लोगों ने हमारा समर्थन किया है, ऐसे लोग जो राजनीतिक लोग हमारी मदद कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, भीम आर्मी और कांग्रेस के बहुत सारे साथी हमारी हेल्प के लिए कह गए, बसपा के भी पदाधिकारी ना हो लेकिन बहुत सारे जो सदस्य हैं या जो उससे जुड़े हुए लोग हैं वो मदद करके जा रहे हैं, व्यापार संगठन के लोग मदद करके जा रहे हैं, छात्र नेता, छात्र राजनीति करने वाले आपके, उसके अलावा शिक्षक संघ, चाहे वो विश्वविद्यालय का हो, चाहे आपके प्राइमरी का हो, चाहे आपके और जूनियर का हो, तमाम हमारी लोग जो कर रहे हैं। तो मैं उन सब साथियों का उस दिन 11 तारीख को हम बुलाएंगे, और आने वाले समय पर मेरी आदरणीय कई किसान संगठनों के बड़े नेताओं से बात हुई है, माने जैन चौधरी जी से बात हुई थी, माने अखिलेश यादव जी से बात होकर मैं बैठा ही हूं, और मेरी कोशिश रहेगी कैसे इस आंदोलन को हम लोग आके लेके जाएं, और ये आंदोलन ये यहीं तक नहीं थमेगा, ये आगे जाएगा, घर घर जाएगा, हम हर दिन कुछ ना कुछ करेंगे। आज जैसे कैंडल मार्च है तो हम कल लोगों से अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से कि अपने घर के आगे ऐसे लोगों की सद्बुद्धि के लिए दो दो कैंडल जरूर लगाएं, कोई दिया लगाएं कि कम से कम लोगों को ये बात आगे बढ़े। अतुल जी, जो आईएमए के डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि लूट और लुटेरा जैसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं विधायक जी, वो गलत है, हम लुटेरे नहीं है, हमसे माफी मांगे, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, माफी उन लोगों को मांगनी चाहिए जो गलत तरफ खड़ा हो। मैं कमजोर की तरफ खड़ा हूं, जिनके साथ, जिनकी जेब पर मार दी जा रही है, जिनकी जेब काटी जा रही है, जो लोग अपनी भैंस बेचकर, घर बेचकर, ब्याज पे पैसे लेकर, परेशानी दिक्कत झेलकर, अपना किसी तरीके से पेट काटकर अपने लोगों का इलाज लाखों लाख का कराते हैं, माफी इन लोगों को उनसे मांगनी चाहिए। और अगर माफी की बात मेरी है, अगर मैंने कुछ भी गलत कृत्य किया हो तो मैं सरेआम चौराहे पर खड़े होकर माफी मांगूंगा। वो आए, एक जनता की डिबेट बुलाए। मैं तमाम शहरवासियों से, आसपास के देहात के लोगों से अपील करूंगा कि एक ऐसी जगह चिन्हित कर लें जिसमें मैं अकेला, वो सारे लोग, जनता आए और मेरी बात से सेटिस्फाई होगी जनता तो वो मेरे समर्थन में होगी, अगर इनकी बात से सेटिस्फाई होगी तो इनकी तरफ होगी, जिसके साथ होगी तो अगर मैंने गलत किया होगा मैं माफी मांगूंगा, और अगर ये लोगों के साथ गलत और बुरा व्यवहार कर रहे हैं
ये पैसे की लूट कर रहे हैं तो ये माफी मांगी। विधायक जी, डॉक्टर साहब शुरू से ही एक बात कहते हुए आए हैं कि जो मामला शुरू हुआ था न्यूज़ में, उसमें जो पीड़ित था वो पीड़ित अब उनके साथ नहीं दिखाई देता। वो हर दिन, वो मेरे क्षेत्र के हैं, वो हमारे बिल्कुल मतलब समझिए दो उनके घर में मौतें हुई हैं, वो रोजाना बेचारे यहाँ आते हैं, पूरा परिवार यहाँ पे आता है, वो जो उनके जो मेरे साथ हैं वो लगातार यहाँ पे आते हैं, और जो पीड़ित परिवार है उसको जहाँ चाहे आप वहाँ खड़ा कर लें, वो तो आपके साथ पहले दिन से खड़ा, उसके ऊपर तो FIR दर्ज कराई उन्होंने। आज सोचो बच्चा जन्मने वाली माँ जो घर चली गई उसके ऊपर भी FIR कराई। अच्छा बड़े नेता हैं पार्टी के हमारी, मतलब हमारे नेता है माननीय अखिलेश यादव जयंत चौधरी जी, तो अगर उनको लगेगा, अगर हमको लगेगा ऐसा कि उन्हें बुलाना चाहिए तो बुलाएंगे, नहीं तो लोकल स्तर पे हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी आपने तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी आपने एक बात कही थी जो महापंचायत बुलाई है और चर्चा, नहीं नहीं अच्छा ये बताओ किसी भी गलत आदमी को डर लगना सही है? मान लिया मैं किसी सही आदमी से मैं कुछ गलती करूं और मुझे कोई कहने लगे तो गलती पे तो आदमी डर जाता है ना, तो तुम्हें डर किस चीज का लग रहा है? अगर तुम साफ हो फिर बाउंसर रखने क्या जरूरत है भाई, जब तुम्हारे 100 मीटर पे थाना मेडिकल कॉलेज, तो ये बाउंसर किसके लिए रखे तुम तो कानून को मानने वाले लोग हो, और फिर डॉक्टर की कौन सी पार्टी कौन सा दल भाई? डॉक्टर छाती पीट पीट कर कह रहे हैं कि मैं कहता हूं मैं भाजपा का हूं और मैं भाजपा के साथ रहूंगा, ये डॉक्टरों की बोली है? डॉक्टर किसी दल पार्टी का होना चाहिए? अरे डॉक्टर समाजवादी का, भाजपा का, बसपा का, किसी और दल का तो ना डॉक्टर होगा। तो ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि डॉक्टर अगर ये बात बोलते हैं तो उनकी भाषा उनकी सोच किस तरफ लेकर जा रही है। मैं जनता को सरकार को कहूंगा कि मेरे पास, क्योंकि मेरे पिताजी ने जो दादा ने हमारे पास चीज आई है तो पारिवारिक रूप से माना जाता है कि वो परिवार की है, बच्चों की है, उसके अलावा अगर कोई संपत्ति हमारे पास हो, बैंक में हो, हमारी पत्नी के नाम पर हो, हमारे बच्चों के नाम पर हो, तो कहीं पर भी हो या जायज नाजायज हो, वो सब की सब हम सरकार को जिस गरीब को कहेंगे उस गरीब को दे दें। विधायक जी आपके जो धरना चल रहा है, आपकी पार्टी के जो मेरठ शहर के जो दिग्गज नेता हैं वो एफआईआर में नजर आते हैं। दिग्गज दिग्गज कौन होता है? दिग्गज वो होता है जिसके साथ जनता का समर्थन हो। हमें 1,20,000 लोगों ने वोट देकर चुना लगभग, और हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम सब लोगों से सहयोग मांग रहे हैं, जो इसमें इस सही लड़ाई में अच्छी लड़ाई में हमारा सहयोग करेगा हम उसका धन्यवाद करेंगे, जो सहयोग नहीं भी करेगा दूर से बैठकर हमारी मदद करेगा हम उसका भी धन्यवाद। तो आप उन्हें दिग्गज नहीं मानते? दिग्गज आप मानते होंगे, जनता भी मानती होगी क्योंकि वो चुने हुए हैं, और दिग्गज बिन दिग्गज के बारे में मैं क्या बताऊं। थैंक यू। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।